हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की मेरी रेसिपी है बिना ऑयल की ये बार्नियर्ड मिलेट उपमा, जो खाने में भी बहुत टेस्टी है और हेल्थ वाइज तो परफेक्ट है। तो इसी की रेसिपी शुरू करते चलिए। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है बार्नियर्ड मिलेट, जो मैंने सो करके रखा था ओवरनाइट। और इसके अलावा जो उपमा बनाने के लिए बेसिक इंग्रेडिएंट चाहिए वही लिया है, मिर्ची, करी पत्ता, सरसों, अदरक, नींबू और थोड़े से वेजिटेबल। और इसे हम बिना ऑयल के बनाएंगे, तो कढ़ाई गर्म होने पर हम डालेंगे यहाँ पे सरसों और करी लीव्स, और साथ ही डाल देंगे हम ग्रेट किया हुआ अदरक। और ये हम कुछ देर के लिए इसे हम इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। जिन लोगों ने कभी इस तरह से खाना नहीं बनाया है उन लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये बिना ऑयल के भी बहुत अच्छी तरीके से बन जाता है और बहुत टेस्टी बनता है। फ्लेम आपको लो रखना है और थोड़ी देर बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हींग भी, और इसे कंटिन्यूसली स्टर करना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम में नहीं रखना है। आप देखेंगे थोड़ी देर में इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। इसके बाद इसमें जाएगा चॉप किया हुआ कैरेट और मटर। तो जो मटर है वो मैं फ्रोज़न यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी देर बाद उसे ऐड करूँगी क्योंकि उसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कैरेट को मैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉटे कर ले रही हूँ, उसके बाद ऐड करूँगी मटर। और अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करें तो थोड़ा सा आप उसे उबाल सकते हैं पहले, उसके बाद ऐड कर सकते हैं। और इन दोनों को मैं बस एक मिनट के लिए ऐसे ही सॉटे कर लूँगी, और एक मिनट के बाद इसमें हमें डालना होगा पानी। तो जो बार्नियर्ड मिलेट है वो मैंने 1/4 कप लिया था, इसलिए पानी उसका 3.5 गुना लेना पड़ेगा, मतलब 1 कप से थोड़ा सा कम हम यूज़ करेंगे। पानी जो है उसको हम डालने के बाद तुरंत ही जो मिलेट है वो भी डाल देंगे जो सोक किया हुआ है। ओवरनाइट सोक करना मिलेट को बहुत ज़रूरी है। जब भी आप मिलेट से कोई भी रेसिपी बनाएं, मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से 6 से 8 घंटे के लिए मिनिमम सोक करने के लिए रखें। तो थोड़ा सा स्टर करने के बाद मैंने इसे ढक दिया है। अब 10 मिनट के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 10-12 मिनट में ये जो पानी है ये पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये बहुत अच्छी तरीके से कुक हो जाएगा। और इसे एक बार स्टर करके देख लेते हैं। देखिए पानी बिल्कुल नहीं है और ये थोड़ा सा सॉगी लग रहा है क्योंकि अभी ये ठंडा नहीं हुआ है। इसमें हमने अभी तक नमक नहीं डाला था, तो अभी नमक और बाकी सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जाएगा नमक, और उसके बाद इसमें जाएगा कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ फ्रेश नारियल, इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, और चॉप किया हुआ कोरिएंडर, ये भी टेस्ट को बढ़ाने का ही काम करता है, और लास्ट में डालेंगे नींबू का रस। तो ये सारी जो चीज़ें हम इसमें ऐड कर रहे हैं ना, इसे इसका जो टेस्ट ना आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। बिना ऑयल के ये आप एक बार बना के ज़रूर देखिए, आपको अच्छी लगेगी। और ये जो मिलेट है ना, इसे हमें अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए बिकॉज ऑफ इट्स सो मैनी हेल्थ बेनिफिट्स। और ये जो है, ये कैसी लगी आपको ये रेसिपी, अगर आप बनाएं तो ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। अब इसे सर्व करते हैं, और इस तरह से मुझे बोल में सर्व करना बहुत अच्छा लगता है। इसे आप चाहे तो सांभर के साथ खा सकते हैं, मैं इसे सर्व कर रही हूँ नारियल की चटनी के साथ। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।